नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई जा सकती है सिंगल में। तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। यहाँ पे रेस्टोरेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो रेस्टोरेंट की ये डिटेल आ जाएगी। मेनू पे अगर कोई क्लिक करता है तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे मेनू पे आप कई प्रोडक्ट रख सकते हैं अपना सेल के लिए। यहाँ पे टीम के बारे में आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और लोकेशन के बारे में और ऑर्डर से संबंधित। ये सिंगल पेज वेबसाइट है, इसकी ज़रूरत लोगों को होती है। और जो वेबसाइट अपने अपडेट नहीं करना चाहते, उस पर प्रोडक्ट नहीं इंसर्ट करना चाहते, ये सारी चीज़ें, और वो केवल सिंगल वेबसाइट रखना चाहते हैं और लोग उनसे कांटेक्ट करें और ऑर्डर करें, तो इस तरीके से अगर या कोई भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बताना चाहते हैं लोगों को सिंगल पेज वेबसाइट के माध्यम से, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने एक रेस्टोरेंट टाइप की वेबसाइट को लिया है। इसका लेआउट फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी बताया था किसी वेबसाइट को बनाने के लिए डोमेन नेम, होस्टिंग, और आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। इसके बाद हम चलते हैं, आपको arunmorya.net पे जाना है। बेस्ट होस्टिंग देखने के लिए आप यहाँ पे होस्टगेटर का ऑप्शन चुन सकते हैं। होस्टगेटर इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है, अदरवाइज़ आप इंटर सर्वर भी चुन सकते हैं, जो भी आपको चुनना है चुन सकते हैं। आप वहाँ से जाएंगे अपने सी पैनल में, सी पैनल से जाने के बाद आपको वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करते जाना है और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी, अपीयरेंस में आना है, थीम पे क्लिक करना है। थीम को आपको यहाँ से नई थीम को ले लेना है। तो थीम के बारे में चर्चा करें, कौन सी थीम का इस्तेमाल किया है हमने। यहाँ पे एलिगेंट थीम का इस्तेमाल किया है। एलिगेंट थीम क्या होता है? एलिगेंट थीम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली थीम है। इसका $89 पड़ता है, यहाँ से $89 पर ईयर टू $49 वन लाइफ टाइम के लिए पड़ता है। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, बस मेंबर एरिया में जाने के बाद। यहाँ पे देखिए, आपको थीम में जाना है, थीम को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी थीम को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे एक आपको मिलेगा लेआउट पैक, और लेआउट पैक जब आप DB पे जाना है और DB के लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, बस इतना सा काम करना है। और जैसे ही DB के लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ये सारी ये आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी पैक को इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या। तो हमें चलना है अपने कंप्यूटर में, जहाँ पे आपने अपनी फाइल डाउनलोड की होगी। ये देखिए यहाँ पे है, इसका लेआउट आपको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये डीबी बिल्डर डॉट जेसन फाइल डॉट जेएसएन को इसको अपनी लाइब्रेरी में इंस्टॉल करना है। तो कैसे करना है, तो चलिए बताते हैं। सिंपल तरीके से आपको चलना है यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे। इंपोर्ट के ऑप्शन पे चलने के बाद आपको करना है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल के बाद आपको अपनी पर्टिकुलर फाइल में चलना है। पर्टिकुलर फाइल में चलने के बाद उस फाइल को इंपोर्ट करना है। यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बस यही फाइल इंपोर्ट करना है। तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये देखिए फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, आपको एक सिंपल सा पेज बनाना है। मैं मानता हूँ हम एक नया पेज बनाते हैं, और नया पेज बनाते ही आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक होम पेज ले लेता हूँ। होम पेज को हम यहाँ से क्या करते हैं, आप हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद में तो ये हमारा पेज बन गया है। यहाँ पे हमें हाइड स्क्रॉल जो यहाँ पे है, इसको हम ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑफ भी रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको विजुअल बिल्डर पे क्लिक करना है। विजुअल बिल्डर पे क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ से विजुअल बिल्डर पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये फाइल ली है, तो इस फाइल को आपको इस विजुअल बिल्डर में उपयोग करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। तो इस तरीके के देखिए, ये जो वेबसाइट है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, और बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सिंगल वेबसाइट, क्योंकि उनको कोई चिंता करने के लिए कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। तो आप इसको यहाँ से करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि रिप्लेस करना चाहते हैं या, तो इसको आप चेक करेंगे तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, तो यानी कंटेंट। तो यहाँ पे देखिए पिज्ज़ा और रेस्टोरेंट का आया है, यही पिज्ज़ा एंड रेस्टोरेंट का लेआउट यहाँ पे आया है। इसके बाद में आप क्लिक करेंगे, बस जस्ट सेकेंड में आपकी वेबसाइट पूरी ये देखिए आपकी तैयार हो गई। आपको करना है सेव, यहाँ से सेव करने के बाद आपको कर देना है पब्लिश।
बस ये सिंगल वेबसाइट आपकी तैयार हो गई। जब से सेव हो गया, एग्जिट विजुअल बिल्डर करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, बट यहाँ पे देखिए एक ये कमी क्या आई कि यहाँ पे दो मेनू तैयार हुआ, तो यहाँ पे कस्टम मेनू हम लोगों ने तैयार किया है और ऊपर एक मेनू ऑलरेडी है जो डिफ़ॉल्ट रूप से। तो इसको किस तरीके से सेट किया जाएगा, आपको फिर से जाना है अपने एडिट पेज में। एडिट पेज में जाने के बाद आपको इसको फिर से रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश का मतलब ये होता है, यहाँ पे आपको जाना है, इसको जो आपका डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे आपको चूज़ करना है ब्लैंक पेज, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्लैंक पेज यहाँ पे करना है। तो ये आपका कंप्लीट ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक होने के बाद आप पुनः इस फाइल को जब देखेंगे तो आपका जो मेनू सेक्शन का जो ओल्ड वर्जन है, मतलब जो क्लासिक वर्जन है, वो हट गया होगा। हमने अपडेट होने के बाद देखा, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा हो गया, ये हमारा जो क्लासिक वर्जन था वो हट गया। तो यहाँ पे आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सारी डिटेल अपने आप सबमिट हो गई। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब जो भी आपको बदलाव करना है, आपको इनेबल टू विजुअल बिल्डर क्लिक पे क्लिक करना है। इनेबल टू विजुअल बिल्डर पे क्लिक करने के बाद में जो है, आप पर्टिकुलर सेक्शन में जा कर के सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। मैंने सिंपली तरीके से और ट्यूटोरियल में जो बताया है, उसी तरीके से आप बदलाव कर सकते हैं, उसी तरीके से सारे सेक्शन को आप यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर बदलाव करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी बदलना है यहाँ पे बदल सकते हैं, जो भी आपको अलग चीज़ें लिखनी हैं लिख सकते हैं, इसके लेआउट को सब कुछ आप बदलाव कर सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो ये बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको बदलाव करना है यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे हम दो सेक्शन लिया गया है, ये लिया गया है मोबाइल मेनू के लिए, मतलब ये कंप्यूटर में नहीं दिखेगा लेकिन मोबाइल में दिखेगा, तो इसके लिए लिया गया है। और यहाँ पर जो नीचे है, इसी तरीके से यहाँ पे मेनू में भी हम लोगों ने दो लिया है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको क्लासिक मोड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको एडिट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए लोगों का दो, एक मोबाइल के लिए है और एक कंप्यूटर के लिए है। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडवांस पे चलता हूँ, यहाँ का बैकग्राउंड यहाँ पे मोबाइल में और टेबलेट पे ऑफ किया गया है, यानी डेस्कटॉप पे ऑन किया गया है, और इसके अलावा बैकग्राउंड को ब्लैक रखा गया है। इसको आप देख सकते हैं, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे उल्टा आप देखेंगे कि मोबाइल में और डेस्कटॉप में ऑन रखा गया है और कंप्यूटर में हाइड रखा गया है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये देखिए डेस्कटॉप में हाइड रखा गया है। तो ये दो सेक्शन हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये लोगो सेक्शन हो गया, और यहाँ पर ये देखिए आपका हो गया स्लाइडर, और यहाँ पर देखिए मोबाइल स्लाइडर और सिंपल स्लाइडर रखा गया है। इसी तरीके से आप ये सारे सेक्शन का निर्माण किया गया है, आप यहाँ से फिर एडिट कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, ये पिज्जा वाला ऑप्शन है, इसका इमेज बदलने के लिए आपको सिंपली तरीके से स्लाइडर में जाना है। स्लाइडर के सेक्शन में जाने के बाद आपको देखेंगे, यहाँ पे देखिए पिज्ज़ा है, और पिज्ज़ा के बाद में इस सेक्शन पे जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अगर आपको कलर वगैरह बदलना है तो बदल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करना है, और आपको स्लाइड मोजो को इंसर्ट करना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो फर्स्ट यहाँ तक के रो में तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ से ये सेक्शन आपका कम्प्लीट नहीं मैनेज होगा, लेकिन यहाँ से जो है, यहाँ से आपका कंप्लीट सेक्शन यहाँ से मैनेज होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सेक्शन को मैनेज करने के लिए आप इसी का सहारा ले। तो ये कैसे किया जाएगा, तो देखिए आपको करना क्या है कि अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ रेस्टोरेंट पे ये हो गया, रेस्टोरेंट पे यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ को अगर हमें कलर बदलना है तो सिंपली तरीके से बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पर कलर को हम बदल सकते हैं। तो आप यहां से कलर को बदल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रेडियंट अगर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं, मगर यहां पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको करते हैं डिलीट, वाइट इज़ बेटर। तो यहां पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं सिंपली तरीके से कर सकते हैं। इमेज भी बदलाव कर सकते हैं, इमेज भी जो भी आपको पसंद है आप दूसरी इमेज यहाँ से लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है और इस तरीके से आपको करना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे, जब यहाँ पे कोई क्लिक करता है ब्लॉग पे, रेस्टोरेंट पे क्लिक करता है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि ये तो कोई पेज तो अभी बना नहीं है, फिर ये कैसे वर्क कर रहा है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है, इसको ध्यान देने वाली बात है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे हम चलेंगे, अगर मान लीजिए ये रेस्टोरेंट का है, यहाँ पे रेस्टोरेंट, तो इस सेक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले सेक्शन को, यहाँ से यहाँ पे एक क्लास आईडी होगी, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे एक क्लास आईडी RES होगा। तो RES जो है इसकी क्लास आईडी है, और इसी का लिंक आपको देना है कहाँ पे, अपने मेनू सेक्शन में, जो भी आप मेनू बना रहे हैं। तो मेनू आप कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पे देखिएगा हैज़ RES लग रहा है, तो हैज़ RES लिखना है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो चलिए हम बताते हैं आपको। एकदम ऊपर जाना है, ऊपर में मैं मेनू में बताता हूँ। तो ये हमारी क्लास आईडी रही। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वहाँ पे RES लिखते हैं या कुछ भी, शॉर्टकट आप लिख सकते हैं क्लास आईडी में, और वही लिंक यहाँ पे देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे RES मैंने जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए RES हैज़ RES लगा है। तो इसी तरीके से जो ज्वाइन का आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे और चीज़ें, जो लोकेशन का अगर आप देखना चाहते हैं, लोकेशन का वहाँ पे क्लास आईडी क्या होगा, LOC मैंने लिखा है, तो वहाँ का जो क्लास आईडी है यहाँ के क्लास आईडी से मैच होना चाहिए। बस इतना सा ध्यान देना है, यही बदलाव करना है, और अपनी वेबसाइट को कर लेना है अपडेट। जो भी करना है इस तरीके की, आप खूबसूरत वेबसाइट बना सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से इसका लेआउट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको थीम में परचेजिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कॉस्टली अगर आपको पड़ रही है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है, खूबसूरत है। अगर आप सिंगल वेबसाइट रखना चाहते हैं अपने लिए, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके लिए आप मोनार्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे प्लगइन है, मोनार्स और ब्लूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए ब्लूम है, और सोशल मीडिया के लिए मोनार्स है। तो ये रही मोनार्स, और हमने यहाँ पे ब्लूम इंस्टॉल नहीं किया हुआ, हमने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे मोनार्स और ब्लूम यहाँ से मिलता है। तो ओके दोस्तों, शायद ये वीडियो छोटी थी लेकिन अच्छी वीडियो थी। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू दोस्तों।